तो आज हमारे पास है पोट्रोनिक्स की तरफ से आने वाला काफी तगड़ा स्पीकर। तो यह है पोट्रोनिक्स हार्मनी मिनी एंड इस वीडियो के अंदर हम इसकी अनबॉक्सिंग एंड डिटेल रिव्यू करने वाले हैं। एंड प्राइसिंग की बात करो तो मात्र 3000 रुपए में भी आप इसको परचेस कर सकते हो। बेस्ट बाय लिंक हमेशा की तरह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इससे पहले भी हमने पोट्रोनिक्स हार्मनी का भी अनबॉक्सिंग एंड डिटेल रिव्यू वीडियो किया हुआ है, अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में आपको मिल जाएगा, तो उसको भी आप चेकआउट कर सकते हो। बट ये उसका छोटा भाई है यानी कि हार्मनी मिनी, तो इसकी अनबॉक्सिंग हम करने वाले हैं। तो पोट्रोनिक्स हार्मनी मिनी की यहाँ पर ब्रांडिंग है 25 वॉट HD साउंड, ऊपर की तरफ पोट्रोनिक्स की ब्रांडिंग है, राइट साइड में कुछ हाइलाइटेड फीचर्स हैं एंड इस तरफ यहाँ पर इसकी प्राइसिंग मेंशन की गई है 4999 रुपीज। एंड इसकी अनबॉक्सिंग अब हम कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक छोटा सा का बॉक्स है, इसको हम निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले मिलती है हमें एक टाइप सी चार्जिंग केबल स्पीकर को चार्ज करने के लिए। तो फिर मिलती है हमें एक यूजर गाइड एंड एक वारंटी कार्ड पोट्रोनिक्स की तरफ से। एंड ये रहा हमारा स्पीकर। तो स्पीकर को ऑन करके हम अपने मोबाइल के साथ पेयर कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा स्पीकर ऑन हो चुका है एंड यहाँ पर आ चुका है नीचे पोट्रोनिक्स हार्मनी मिनी, इस पर हम कर देते हैं क्लिक एंड हम इसमें सक्सेसफुली कनेक्ट हो चुके हैं। तो अपने मोबाइल में आप बैटरी लेवल को चेक कर पाओगे यहाँ पर एंड यहाँ पर हाई क्वालिटी AAC कोडेक को भी आप यहाँ से ऑन और ऑफ कर सकते हो बेटर ऑडियो एक्सपीरियंस के लिए। तो बात करते हैं इसके कुछ फिजिकल ओवरव्यू के ऊपर। ओवरऑल बॉडी में प्लास्टिक का यहाँ पर यूज किया गया है, लेदर टाइप की टेक्सचर फिनिशिंग आपको इसके ऊपर देखने के लिए मिल जाएगी। जो स्पीकर है वो रेट्रो डिजाइन में आता है। फ्रंट पार्ट पे मेटल के ग्रिल है, यहीं पर आपको पोट्रोनिक्स की ब्रांडिंग देखने के लिए मिलती है। फ्रंट बॉटम पार्ट में आपको LED का सपोर्ट देखने के लिए मिलता है जो की काफी मस्त लगती है। एंड फ्रंट में आपको यहाँ पर RGB कंट्रोल बटन एंड EQ बटन देखने के लिए मिलता है। तो टॉप पार्ट में इसके और भी कंट्रोल्स दिए गए हैं। सबसे पहले है वॉल्यूम डाउन की, पावर ऑन ऑफ बटन, ब्लूटूथ मोड बटन एंड मोड बटन जिससे आप USB एंड ऑक्स में चेंज कर पाओगे, देन वॉल्यूम अप बटन। बैक पार्ट में आपको उसका बेस रेडिएटर देखने के लिए मिलता है, यहाँ पर कंपनी ने ब्रांडिंग की है सब वूफर की। एंड बॉटम पार्ट में आपको 4 रबर पैडिंग्स देखने के लिए मिल जाती है जिससे कि अपने सर्फेस पे स्टेबल रहे। कैरी करने के लिए आपको एक साइड में स्ट्रैप देखने के लिए मिलता है एंड इसमें आप हुक लगा के अपने बैग में भी इसको कैरी कर सकते हो। लेफ्ट पार्ट में इसके सभी IOs। तो सबसे पहले मिलता है आपको टाइप सी चार्जिंग पोर्ट इसको चार्ज करने के लिए, USB पोर्ट एंड ऑक्स पोर्ट। तो स्पीकर आता है हमारा 25 वॉट के RMS आउटपुट के साथ। डुअल आपको उसमें फ्रंट फायरिंग स्पीकर देखने के लिए मिल जाते हैं इसके फ्रंट पार्ट में ही। एंड 2000 mAh की 7.4 वोल्ट की बैटरी का यहाँ पर इसमें यूज किया गया एंड कंपनी क्लेम करती है यहाँ पर तकरीबन आप इसको 6 घंटे तक यूज कर सकते हो मॉडरेट वॉल्यूम पर। बट अगर आप इसको हाईली यूज करते हो तो यहाँ पर आपको बैटरी बैकअप और भी कम देखने के लिए मिल सकता है 2 से 3 घंटे तक का। एंड 10 वॉट का चार्जर ये स्पीकर सपोर्ट करता है एंड यहाँ पर इसको फुली चार्ज होने के लिए तकरीबन 4 से 5 घंटे का समय लगता है जो कि बहुत ज्यादा है। एंड कनेक्टिविटी के लिए आपको इसमें मिलता है ब्लूटूथ 5.3 का सपोर्ट एंड कंपनी ने यहाँ पर हाई क्वालिटी कोडेक का भी सपोर्ट इसमें प्रोवाइड किया है AAC कोडेक का, जो कि इस स्पीकर के साउंड एक्सपीरियंस को काफी तगड़ा बना देगी। इनबिल्ट माइक भी आपको इसमें देखने के लिए मिलता है, तो हैंड फ्री कॉलिंग के लिए भी आप इसको यूज कर सकते हो। एंड IPX7 की इसमें रेटिंग दी गई है, तो आउटडोर में भी आप इसको यूज कर पाओगे एंड इसमें छोटे मोटे फ्लैशेस से कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, आराम से आप इसे यूज कर सकते हो। तो फाइनली अब कर लेते हैं इसका साउंड टेस्ट एंड साउंड टेस्ट करने के लिए मैं यूज करने वाला हूँ नॉन कॉपीराइट म्यूजिक का, जिससे कि मेरे चैनल पे कोई भी कॉपीराइट स्ट्राइक या कॉपीराइट क्लेम ना आ पाए। अगर आप इसका हिंदी और पंजाबी म्यूजिक में साउंड टेस्ट देखना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, वहां पर मैं इसका साउंड टेस्ट डाल दूंगा। तो
फाइनली बात करते हैं उसके साउंड आउटपुट की, कैसा इसने परफॉर्म किया है। तो मैंने इसको तीन वॉल्यूम पर प्ले किया है, 50, 80 एंड 100 वॉल्यूम पर। 50 एंड 80 वॉल्यूम पर इसने काफी अच्छा परफॉर्म किया है। मैंने इसको बेस मोड में भी चला के देखा है, जिसमें इसका बेस जो है वो काफी ज्यादा अच्छा आ रहा था। ट्रेबल्स में भी इसने काफी अच्छा परफॉर्म किया है, बट जैसे ही मैंने इसको 100 वॉल्यूम पर प्ले किया है, इसमें थोड़ा बहुत डिस्टॉर्शन यहाँ पर मुझे फील हुआ। बेस आपको अच्छा मिलेगा 100% पे, बट आपको जो वोकल्स ट्रेबल्स है वो उतने ज्यादा आपके क्लियर नहीं मिलेंगे। वहां पे थोड़ी बहुत मिक्सिंग आपको साउंड की लग सकती है, आपको थोड़ा मफल्ड साउंड वहां पे आ सकता है। तो बात कर लेते हैं इसके कुछ प्रोज एंड कॉन्स के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोज की। इनबिल्ट माइक का सपोर्ट यहाँ पर आपको इस स्पीकर में देखने के लिए मिल जाता है, तो हैंड फ्री कॉलिंग के लिए आप इसको यूज कर सकते हो। IPX7 की यहाँ पर आपको रेटिंग देखने के लिए मिलती है, तो आउटडोर में यूज करो जितना चाहे मर्जी। तो आपको इसमें हाई क्वालिटी कोडेक का भी सपोर्ट देखने के लिए मिलता है, AAC कोडेक का। काफी सारे मार्केट में ऐसे स्पीकर्स हैं जो इस प्राइस रेंज में आपको हाई क्वालिटी कोडेक का सपोर्ट नहीं प्रोवाइड करते हैं, जो कि यहाँ पर प्रोट्रॉनिक्स कर रहा है। तो TWS मोड भी आपको इसमें देखने के लिए मिलता है, तो स्टूडियो साउंड को भी आप इसमें एंजॉय कर सकते हो सेम टाइप के दो स्पीकर्स को जोड़ के। एंड मल्टीपल कनेक्टिविटी आपको इसमें मिलती है, USB एंड AUX से भी आप सॉन्ग्स को प्ले कर सकते हो। एंड यहाँ पर आपको इसमें EQ मोड भी मिलता है, जिसमें आपको तीन मोड मिलते हैं, नॉर्मल, बेस एंड ट्रबल मोड। तो तीनों ही मोड में आप एंजॉय कर सकते हो अपने म्यूजिक को। बात करते हैं अब इसके कुछ कॉन्स की। सबसे बड़ा जो मुझे कॉन लगा यहाँ पर बैटरी बैकअप का, इसका बैटरी बैकअप जो है वो बहुत कम है। एंड यहाँ पर चार्जिंग टाइम भी इसका बहुत ज्यादा है, 4 से 5 घंटे इसको चार्ज होने के लिए लगते हैं, तो ये काफी ज्यादा है। तो ये इसका सबसे बड़ा मुझे कॉन लगा, यहाँ पर कंपनी को ध्यान देना चाहिए बैटरी बैकअप के ऊपर। एंड ऐप का सपोर्ट यहाँ पर आपको देखने के लिए नहीं मिलता है, बट स्पीकर में आपको EQ बटन मिलता है, जिससे आप अपने मोड्स को चेंज कर सकते हो। तो फाइनली बात करते हैं आपको ये स्पीकर परचेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। पर्सनली बताऊं तो मुझे स्पीकर काफी ज्यादा पसंद आया, लुक वाइज स्पीकर काफी जबरदस्त है, ऑडियो क्वालिटी में भी स्पीकर काफी अच्छा परफॉर्म करता है। बट 100 वॉल्यूम पर थोड़ा बहुत यहाँ पर डिस्टॉर्शन आपको मिलेगा, बट स्पीकर देखा जाए तो काफी अच्छे स्पेक्स के साथ आता है, जैसे कि मैंने आपको प्रोज में बताया ही है। TWS मोड, यहाँ पर आपको IPX7 की रेटिंग, यहाँ पर आपको हाई क्वालिटी कोडेक का भी सपोर्ट इसमें देखने के लिए मिलता है, 3 EQ मोड मिल जाते हैं। तो स्पीकर को आप डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो, प्राइस पॉइंट के हिसाब से स्पीकर मुझे काफी ठीक लगा। तो क्या आप इस स्पीकर को परचेस करना चाहोगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। एंड अगर आप में से कोई इसको परचेस करना चाहते हो तो बेस्ट बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां से जाकर आप इसको चेकआउट कर सकते हो। एंड अगर आप में से कोई इसको यूज कर रहा है तो वो भी मुझे अपना रिव्यू नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकता है। एंड दैट्स इट, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को कर दीजिए लाइक एंड चलो कर दीजिए सब्सक्राइब ऐसे मोर इंटरेस्टिंग कॉन्टेंट्स देखने के लिए। तो मैं टेक्नोमो मिलता हूं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।